स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव तथा ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई को आज आयन समय पर आगे टाल दिया गया। यह सुनवाई कल 1 सितंबर को होना प्रस्तावित था, लेकिन कामकाज के टाइम टेबल में इस याचिका का समावेश नहीं रहने के चलते इस सुनवाई के लिए बाद में कोई तारीख तय की जाएगी। ऐसे में राज्य में स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव का मामला एक बार फिर अधर में लटक गया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक बच्चू खड़ू ने अपनी घोषणा को साकार करते हुए क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के बंगले के सामने जोरदार भीख मांगने को आंदोलन किया। उनके साथ प्रहार जनशक्ति पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने नारे लगाए कि हमारा भगवान जुआ खेलता है, जिससे वातावरण काफी तंग हो गया था और सचिन तेंदुलकर के बंगले के सामने वाली सड़क पर यातायात भी अवरुद्ध हो गया था। मुंबई पुलिस ने विधायक बच्चू कड़ू और उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन किया। आता आम्ही नोटिस देणार आहोत, नोटीस इथपर्यंत आलो आहे, नोटीस आम्ही वकिलामार्फत पाठवलेली आहे। त्याचं काय उत्तर येते ते पाहू, त्यांनी जर याच्यात माघार घेतली नाही तर आम्ही गणेश सगळ्या गणपती मंडळासमोर आमची सचिन तेंडुलकर दान पेटी कडू यांच्या 15 दिवसाच्या अल्टिमेटमचं काय झालं? तर झालं ना, आता कायच्यासाठी आलो आम्ही इथं, हे पेटी ठेवली, आता हे पेटी आम्ही सचिन तेंडुलकरांना दान देणार आहोत, दान पेटी, त्याच्यातून जेवढा पैसा येईल तेवढा त्यांनी जाहिरात करावी। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल आगामी 3 सितंबर को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं। उनकी प्रमुख उपस्थिति में दोपहर 3 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नव चेतना महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के नेतृत्व में अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जमकर तैयारियों में लगे हुए हैं। मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल के प्रयासों से दुर्गम भागों और गांवों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण का काम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है, जिसके लिए 87 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिनके टेंडर में सड़क निर्माण के साथ ही अगले 5 साल तक सड़कों के रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी कंपनी पर रहेगी, यह शर्त जोड़ी गई है। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल इस आदिवासी बहुल इलाके में आवागमन के साधन उपलब्ध कराने पर जोर दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने गुरुवार को देश के प्रसिद्ध सूरत फसल मंडी को भेंट दी। सूरत फसल मंडी के सचिव ने उन्हें वहां पर चलने वाले कामकाज की विस्तार के साथ जानकारी दी, साथ ही विविध क्षेत्रों में मंडी की प्रगति का आलेख भी बताया। स्वतंत्रवीर विनायक दामोदर सावरकर का परतवाड़ा शहर से काफी करीबी रिश्ता रहा। परतवाड़ा निवासी स्वाधीनता सेनानी गंपू नाना पिंपलकर से मिलने के अक्सर आया करते थे, ऐसी जानकारी है। ऐसे में स्वतंत्रवीर सावरकर के वंशज रणजीत सावरकर का आज परतवाड़ा शहर में आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने स्वाधीनता सेनानी गंपू नाना पिंपलकर के निवास स्थान को भेंट दी। इस समय पिंपलकर परिवार ने रणजीत सावरकर का भावपूर्ण स्वागत किया, साथ ही गंपू नाना पिंपलकर के बेटे अनंतराव पिंपलकर ने रणजीत सावरकर के साथ मिलकर विनायक सावरकर व गंपू नाना पिंपलकर की यादों को ताजा किया। इस समय अपने दादा स्वतंत्रवीर सावरकर का छाता, ऑक्सीजन के सिक्के और तत्कालीन पत्रों को देखकर रणजीत सावरकर काफी भावुक हो गए। पूर्व महापौर विलास सिंगोले के जन्मदिवस के अवसर पर आगामी रविवार 3 सितंबर को विक्रमादित्य मैराथन का आयोजन युवा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इस मैराथन दौड़ की शुरुआत राजकमल चौक से सुबह 7 बजे होगी। इसके अलावा अन्य विविध उपक्रमों के तहत सोमवार 4 सितंबर को सुबह 9 बजे गड़गड़ेश्वर मंदिर में महाआरती की जाएगी और वृक्षारोपण करने के साथ ही गोरक्षण में तुलादान तथा अनाथ व बेघर लोगों को कपड़े वितरित किए जाएंगे, ऐसी जानकारी मैराथन के आयोजकों द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। माजी महापौर श्री विलासभाऊ इंगोले यांचा वाढदिवसानिमित्त आपण 3 तारखेला रविवार या दिवशी विक्रमादित्य मॅरेथॉन या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। या स्पर्धेमध्ये पुरुष आणि महिला प्रवर्ग खुला असं या स्पर्धेचं आयोजन आहे। राजकमलपासून तर नवातेपर्यंत या स्पर्धेचा रूट आहे आणि महिलांसाठी राजकमलपासून तर समर्थ शाळेपर्यंत हा रूट आहे आणि पुरुषांसाठी फर्स्ट प्राइज 5,000 रुपये, सेकंड प्राइज 3,000 रुपये आणि थर्ड प्राइज 1,000 रुपये आणि महिलांसाठी 3,000 रुपये, 2,000 रुपये आणि 1,000 रुपये असं रोख प्रमाणात ते प्राइज आहे। ते प्राइज डिस्ट्रीब्युशन त्याच वेळेस मॅरेथॉन संपल्यावर लगेच होईल। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवीर शेखावत ने महावितरण के कार्यकारी अभियंताओं को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि शहर के पश्चिमी इलाके में विगत कुछ दिनों से रोजाना 5 से 6 घंटे बिजली गुल हो रही है। यदि इसे तत्काल बंद नहीं किया गया तो शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से महावितरण कार्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। ठेकेदारी पद्धति से काम कर रहे मनपा कर्मचारियों पर हो रहे अन्याय व समय पर वेतन अदा नहीं किए जाने की समस्या को लेकर अमरावती मनपा ठेका कर्मचारी व कामगार संघ की ओर से सहायक कामगार आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए कर्मचारियों पर अन्याय करने वाले ठेकेदारों व उनकी संस्था को ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग की गई। अमरावती जिला बैंड पथक एसोसिएशन की ओर से आज जिलाधीश कार्यालय पर बैंड बजाओ आंदोलन किया गया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया।
मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने आज सुबह 6:30 बजे राजापेट जोन में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि जो लोग इस समय अनुपस्थित थे उनका एक दिन का वेतन काटा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राजापेट पुल के नीचे सफाई करने का निर्देश दिया और वहां मौजूद फेरी वालों को गंदगी नहीं फैलाने की चेतावनी भी दी। मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने आज अपने कार्यालय में शहर में हार फूल की बिक्री करने वाले व्यवसायियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें शहर की साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए हार फूल विक्रेताओं को निर्देश दिया गया कि वे अपनी दुकान से निकलने वाले कचरों का समुचित तरीके से निस्तारण करें और शहर में कहीं पर भी कचरा न फैले, इस ओर ध्यान भी दें। जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता में आज एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत अत्याचारग्रस्त व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता और प्रलंबित मामलों के संदर्भ में आवश्यक समीक्षा की गई। जिला दक्षता समिति की बैठक में जिलाधीश सौरभ कटियार ने संबंधित अधिकारियों के नाम आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता में आज जिला नियोजन समिति की समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधीश सौरभ कटियार ने अब तक अखर्चित रहने वाली निधि को लेकर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मनपा जोन क्रमांक 5 अंतर्गत आज सहायक आयुक्त विवेक देशमुख की अगुवाई में अनधिकृत होर्डिंग व बैनर जब्त करने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत जोन क्रमांक 5 अंतर्गत आने वाले सभी परिसरों में मनपा के पथक द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए फ्लेक्स बोर्ड बैनर और दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करते हुए लगाए गए लोखंडी बोर्ड को जब्त करने की कार्रवाई की गई। युवा कांग्रेस की शहर इकाई द्वारा अधिक मास और श्रावण मास के निमित्त हर गुरुवार को शेगांव दर्शन हेतु निशुल्क बस सेवा शुरू की गई, जिसके तहत आज अमरावती से शेगांव के लिए निशुल्क बस सेवा की फेरी चलाई गई। आज सुबह पुरानी अमरावती परिसर स्थित आजाद हिंद गणेशोत्सव मंडल के प्रांगण से 42 यात्रियों के जत्थे को लेकर निशुल्क बस शेगांव के लिए रवाना हुई। स्वतंत्र वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर का कल शाम अमरावती आगमन हुआ था। इस समय प्रकाश भवन राव शिरभाते स्मृति फाउंडेशन की ओर से अध्यक्ष आकाश शिरभाते ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया, साथ ही उन्हें अमरावती जिले के प्रत्येक धार्मिक स्थल और पौराणिक इतिहास की जानकारी से भी अवगत कराया। स्थानीय आरटीओ कार्यालय के पीछे कांतानगर मार्ग पर राजेंद्र गार्डन स्थित महाकालेश्वर शिवालय में श्रावण मास व अधिक मास के निमित्त विगत 2 माह से रोजाना विशेष पूजा अर्चना व अभिषेक जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जिसका पूर्णाहुति महायज्ञ आज 31 अगस्त को तड़के 4 बजे सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पंडित दयानंद पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उपस्थित यजमानों के जरिए पूजा अर्चना व होम हवन की विधि को पूर्ण करवाया। मोर्शी शहर की ओपन जेल में विगत कई वर्षों से अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे कैदियों को स्थानीय शिवाजी उच्च माध्यमिक शाला की छात्राओं ने राखी बांधते हुए उनके साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। साथ ही इस समय शाला के विद्यार्थियों ने वृक्ष संवर्धन के लिए समाज में जन जागृति हो, इस उद्देश्य से शाला परिसर में कई वृक्षों को राखी बांधते हुए रक्षाबंधन का पर्व अनूठे तरीके से साकार किया। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मंगलवार को ब्रेन ट्यूमर की जटिल शल्यक्रिया सफलतापूर्वक की गई। करीब 6 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के जरिए 66 वर्षीय महिला को नया जीवनदान मिला है। शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन चौक के पास स्थित गुलशन आर्केड नामक मार्केट के भीतर पहली मंजिल पर 2 दुकानों से आज सुबह अचानक धुआं निकलता दिखाई दिया, परंतु 2 में से 1 दुकान में विगत कुछ समय से सरकारी सील लगी हुई है और दूसरी दुकान काफी लंबे समय से बंद पड़ी है। ऐसे में दोनों दुकानों के भीतर लगी आग को बुझाने में दमकल विभाग को काफी परेशानियों और मशक्कत का सामना करना पड़ा। पश्चात कोतवाली पुलिस की मौजूदगी में तमाम प्रक्रिया का पालन करते हुए एक दुकान की सरकारी सील को तोड़ने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद इस आग को बुझाया जा सका। बनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती परिसर में बीती रात एक और एटीएम को फोड़कर एटीएम के भीतर रखी नगद रकम को चुराने का प्रयास किया गया। इसकी शिकायत मिलते ही फौरन हरकत में आकर बनेरा पुलिस ने रेलवे स्टेशन परिसर में घूम रहे आकाश तिवारी नामक एक संदिग्ध को अपनी हिरासत में लिया, जिसने एटीएम फोड़ने के अपराध की कबूली दी। विशेष उल्लेखनीय है कि एक ही सप्ताह के भीतर बनेरा परिसर में एटीएम फोड़ने की यह दूसरी घटना है। हालांकि दोनों ही मामलों में एटीएम फोड़ने वाले आरोपी अगले 24 घंटे के भीतर पकड़ लिए गए। धारणी तहसील अंतर्गत नारदू गांव में बीती रात 4 लोगों ने मिलकर अपने घर के सामने शराब के नशे में धुत होकर खड़े रहकर गाली गलौज कर रहे साबूलाल बूढ़ा धांडे नामक 55 वर्षीय व्यक्ति की मारपीट करने के साथ ही रुमाल से गला घोटकर हत्या कर दी। जिस समय इन 4 लोगों द्वारा साबूलाल धांडे के साथ मारपीट की जा रही थी, तब 2 लोगों ने रुमाल से साबूलाल धांडे के गले पर फंदा बनाकर उसे पकड़ रखा था और 2 लोग उसकी लात घूंसों से पिटाई कर रहे थे। इसी दौरान गले पर रुमाल का फंदा कस जाने और सांस रुक जाने की वजह से बाबूलाल धांडे की मौत हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, वहीं 4थे आरोपी की तलाश जारी है। परतवाड़ा पुलिस ने अंजनगांव रोड से लाल पुल की ओर दुपहिया पर सवार होकर आ रहे 2 लोगों को नाकाबंदी करते हुए रुकाया, जिनके पास से दुपहिया वाहन पर रखे हुए मृत जंगली सुअर को जब्त करने के साथ ही दुपहिया वाहन पर लटकी थैली में से 27 नग जिंदा देशी बम बरामद किए गए। ऐसे में परतवाड़ा पुलिस ने चांद सिंह बावरी व अशोक शिंदे नामक 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया।
शहर पुलिस आयुक्त नवीनचंद रेड्डी के स्पष्ट व कड़े निर्देश से सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में अवैध शराब, जुआ, वर्ली मटका व गैर कानूनी धंधों के खिलाफ जोरदार मुहिम शुरू की गई। मुहिम में दर्जनों स्थानों पर रेड करते हुए आरोपियों को माल सहित डिटेन किया गया। विगत 10 अगस्त को जाफरजिंद प्लॉट परिसर के खत्री मार्केट में स्थित जय भोले ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारते हुए सीपी स्क्वाड ने 3175 किलो के प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग की खेप बरामद किया था और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार कल 30 अगस्त को सिटी कोतवाली पुलिस ने जय भोले ट्रेडर्स के मालिक संतोष मंगलानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। धारणी तहसील के कावड़ाझिरी शिवार निकट प्रादेशिक वन विभाग के जंगल में 2 दिन पहले एक बैल का शिकार बाघ द्वारा किए जाने का मामला सामने आया, जिससे दादर गांव के बाद अब कासमार व कावड़ाझिरी में अच्छी खासी दहशत मची है। वर्ष 2014 में अमरावती शहर सहित जिले में हड़कंप मचा देने वाले बहुचर्चित व सनसनीखेज हबूशा हत्याकांड के 3 प्रमुख आरोपियों को कुछ समय पहले स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार देते हुए बरी किया गया था, जिसके बाद मृतक हबूशा के भाई रशीद शाह ने इस फैसले के खिलाफ अपने वकील परवेज मिर्जा के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की। इस याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने हबूशा हत्याकांड के 3 प्रमुख आरोपियों के नाम नोटिस जारी की है। ऐसे में अब जल्द ही हबूशा हत्याकांड मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू होगी। वर्धा जिला अंतर्गत कारंजा तहसील के नारा में जादवराव केचे आश्रमशाला में मिलघाट के डोमा गांव निवासी शिवम उइगे नामक छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसकी जांच करने की मांग विधायक राजकुमार पटेल द्वारा उठाई गई। शिवम उइगे का शव आश्रमशाला में विद्यार्थियों के सोने हेतु रखे गए गद्दों के ढेर के नीचे से बरामद हुआ था। वर्धा के निकट पिंपरी मेघे में रक्षाबंधन के निमित्त तुलजा भवानी मंदिर पर झंडा लगाने के लिए चढ़े 3 लोगों की बिजली का झटका लगने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। वर्धा जिला अंतर्गत आमगांव खड़की परिसर से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर गत रोज तेज रफ्तार मालवाहक ट्रक समृद्धि महामार्ग की पुलिया से बनी सुरक्षा दीवार से जाकर टकरा गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। अकोला जिला अंतर्गत बालापुर से शेगांव मार्ग पर नगर पालिका डंपिंग ग्राउंड के निकट बुधवार की दोपहर एक तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप वाहन ने सामने चल रहे 2 दोपहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नागपुर के सीताबर्डी परिसर के मोदी क्रमांक 3 में स्थित 4 मोबाइल शॉपी पर छापा मारकर सीताबर्डी पुलिस ने एप्पल कंपनी के बनावटी मोबाइल व अन्य नकली साइट की बिक्री का मामला उजागर किया। इस कार्रवाई में 87,59,000 रुपए का माल जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई। जलगांव जामोद में विगत 5 दिनों से किसानों की विविध मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने अनशन कर रहे स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत डीकर कल आधी रात के आसपास अचानक ही अनशन मंडप से गायब हो गए, जिसकी वजह से प्रशासन में अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। वह डीकर के परिजनों और कार्यकर्ताओं ने जलगांव जामोद पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। अकोला आगार की छत्रपति संभाजीनगर जाने हेतु निकली रापनी एसटी बस के पहिए अचानक गर्म होकर पहियों में से धुआं उठने लगा। यह बात ध्यान में आते ही बस चालक ने समय सूचकता दिखाई और अपनी बस को मेकर के निकट चिंचोली फाटे पर रोक दिया, जिससे संभावित हादसा टल गया और सभी यात्री सुरक्षित बच गए। यवतमाल जिला पुलिस की अपराध शाखा के दल ने वाहन चोरों की एक बड़ी टोली को धर दबोचा और 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर करीब 29 लाख रुपए की 48 दुपहिया वाहन जब्त किए। सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के साथ गाली गलौज व मारपीट करने को लेकर दर्ज किए गए 2 अलग अलग मामलों में नामजद 2 आरोपियों को स्थानीय जिला अदालत ने दोषी करार दिया। इसके तहत एक मामले में नामजद एक आरोपी को अलग अलग धाराओं के तहत अधिकतम 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरे मामले में नामजद एक अन्य आरोपी को अदालत द्वारा 6,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों आरोपियों को अलग अलग अवधि का सामान्य कारावास भुगतना होगा। दोनों मामलों में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता सुनीत घोड़ेश्वर द्वारा सफल युक्तिवाद किया गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।